दिनों में उन दो फीमेलें थी इंपोर्टेड ब्लड लाइन में से, उनकी मैंने 5 ब्रीडें ली मुसलसल हर मंथ। उसका नतीजा ये है, जैसे अभी आदर शाह साहब ने, तो उनका जो कैल्शियम था ख़त्म हो गया अंदर से। और जब एकदम से मौसम डेवलप हुआ हमारा पंजाब का गर्मी, तो वो दोनों उस गर्मी की हिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर रहे, इम्यूनिटी ख़त्म हो चुकी थी। और वो नतीजा दिन अच्छी माताओं से मैं हाथ, कम से कम भी 70-80 हज़ार की माता थी वो, प्योर इम्पोर्टेड ब्लड लाइन में थी, तो वो दोनों की दोनों एक्सपायर हो गई। तो अब जो अभी वो बात कर रहे थे पहली बात के साथ, एक अगर एक फीमेल 10 बच्चे देती है, एक 5 देती है, तो आरबी डबल क्लच तो आ रहा है। अब एक तरफ मैंने 2 फीमेलें खोई, कितने की, तो उसकी बता रहा हूँ 1.5 लाख की। और जो मैंने क्लचेस लिए 5, उसमें उनको 1.5 लाख में तकसीम करें, सर्वाइवल वो भी उसमें बड़ा कम होगा। हाँ जी, उनमें भी मोर्टेलिटी भी आई उन क्लचेस में भी। अगर सारे के सारे 5-6 की एवरेज बच भी जाए, तो एक क्लच की कीमत निकाल लें, 2 क्लच एक्स्ट्रा ले पे ना, 2 क्लच मेरे 1.5 लाख के नहीं थे। ये कमर्शियल फार्मिंग में जमा तो फ्री लाजम है, नहीं वो बेहतर है। फिर एक माह बंदा बात कराए, 5 बच्चे हो, 6 पहली बात है किया, उसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो कम आई है, थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। कमर्शियल फैसला करना है आपकी फीमेल की अमूमी सेफ में, सबसे पहली बात यही है। उसके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हैं कि उसके लिए आसान फार्मूला है कि जब आपकी फर्स्ट टाइम माँ बनती है, तो एक वजन को नोट कर लें, एक आपकी फीमेल का अमूमी वजन फर्स्ट टाइम होता है 4200 ग्राम। उसके बाद वो प्रेग्नेंट होती है, बच्चे देती है, बच्चे देने के बाद ड्रिल, अब दोबारा वजन करते हैं, उसका 3800 आ गया या 4100 ग्राम आ गया, आपको नजर आ रहा है कि फर्स्ट डे से पहले ही नीचे है, तो थोड़ा सा टाइम दे दें। अगर 42-43 पकड़ लेती है, तो उस पोजीशन पे आ गई है। साथ आदल भाई की दूसरी बात, बच्चों की सेहत को भी मेंशन कर रहे हैं ना, जाहिर है कि जब आप डबल काम लेंगे तो बोझ तो आएगा ना। आप एक चीज से हाथ ना धोए कि आप एक तरफ तो एडवांस चले जा रहे हैं फीमेल की एक क्लच लेने के वाले से, अगर वो वाली बच्चे मोर्टेलिटी का शिकार हो जाए तो उस क्लच का क्या फायदा है। दोनों के दरमियान में ही रास्ता आपने निकालना है, तो आजर वाला वही सारी बात है, यही वो कह रहे थे। जी सर। अच्छा, आपने जिस तरह बताया कि यार अगर मैं 1 महीने तक या 2 महीने तक बच्चों को माँ का दूध पिलाऊं, ये अगर तो आपका माइंड या आपका गोल ये है कि आपने पेरेंटल फ्लॉक बनाना है, यानी कि ऐसे रैबिट आपने प्रोड्यूस करने हैं जो कि आगे जाके माँ बाप बने हैं, उसको बेशक आप 60 या 65 दिन तक दूध पिला दें, अच्छी बात है, नेगेटिव पॉइंट्स के नहीं पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इसके। लेकिन जब आपका टारगेट गोश्त है, तो उसमें फिर आपने इसको भी देखना है कि फ्लाक आपका कुछ ज्यादा लेट तो नहीं हो रहा। अगर फ्लाक आपका ज्यादा लेट होगा, उससे आपके मुनाफे का ग्राफ नीचे आएगा फिर, क्योंकि उसने तो जिबा होने में जाना है, उसके लिए कम से कम इतना दूध काफी है कि वो सर्वाइव करे, उसको आपने बॉडी बिल्डर नहीं बनाना। दूसरा, ये माँ का ज्यादा या माकूल दौरानिए तक दूध इसलिए जरूरी है, बच्चों में एक बीमारी आती है एंटेरोटॉक्सीमिया, ये हर उस बच्चे में आएगी जो कि माँ का दूध कम पिए, हर उस बच्चे में ये बीमारी होगी, कोक्सीडियोसिस की बीमारी होगी जो कि माँ का दूध कम पिए, हर उस बच्चे की इम्यूनिटी वीक होगी जो कि माँ का दूध कम पिएगा। माँ के दूध से सिर्फ उसको न्यूट्रिशन ही नहीं मिलते, माँ के दूध से बेसिकली उसको वो एंटीबॉडीज़ भी